नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, आज का वीडियो इसी विषय पे है। दोस्तों, कई बार कुछ शारीरिक एवं अन्य कारणों से एक महिला मातृत्व सुख का एहसास नहीं ले पाती है। क्या आप भी इन दिनों इस समस्या का सामना कर रही हैं? माँ बनना हर लड़की का सपना होता है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे हर महिला महसूस करना चाहती है। हर महिला की इच्छा होती है कि उसकी परवरिश उसकी माँ ने की, वह भी उसी तरह या उससे बेहतर परवरिश अपने बच्चों को दे। पर हर लड़की का ये सपना पूरा नहीं होता। कई बार कुछ शारीरिक एवं अन्य कारणों के कारण एक महिला मातृत्व सुख का एहसास नहीं ले पाती। क्या आप भी इन दिनों इन समस्याओं का सामना कर रही हैं? तो आपकी इस समस्या के 6-5 कारण हो सकते हैं। पूरी नींद न लेना। क्या आप पूरी नींद ले रही हैं? आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में महिलाओं को इतना समय भी नहीं मिल पाता कि वह पूरी नींद ले सके। प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए आपको दिन में कम से कम 8 घंटे सोना जरूरी है। जब भी आप सोने जाएं, अपने बेड के पास मौजूद लाइट को जरूर बंद कर दें। अगर हो सके तो आई मास्क का इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरा कारण, विटामिन डी की कमी। विटामिन डी महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह गर्भधारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके अंदर विटामिन डी की कमी है या नहीं, इसका टेस्ट जरूर करवा लें। टेस्ट के लिए अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लें। इन दिनों लोग अपना समय या तो अपने घर या ऑफिस के अंदर बिताते हैं, जिस कारण आपको पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती। विटामिन डी या धूप प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। उचित चिकनाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अपनी साथी के साथ उन खास पलों के दौरान क्या आप एक अच्छा लुब्रिकेंट का उपयोग कर रही हैं? अगर नहीं तो यह आपके गर्भवती होने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे ल्यूब्स का इस्तेमाल करें जिसमें ग्लिसरीन ना हो। इसके अलावा पीएच बैलेंस वाले ल्यूब्स का ही इस्तेमाल करें। ओवरवेट होना, जी हाँ, ओवरवेट होना भी एक महिला के लिए गर्भवती ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है। गर्भावस्था के लिए आदर्श वजन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी BMI बहुत ज्यादा हो तो हो सकता है कि आपको गर्भवती होने में समस्या आए। पता लगाएं कि क्या आपका वजन उतना है जो गर्भावस्था के लिए अनुशंसित है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात कर सकती हैं। पांचवा और अंतिम कारण, प्लास्टिक उत्पादों का अधिक उपयोग। दोस्तों, क्या आप प्लास्टिक के कंटेनर जैसे प्लास्टिक उत्पादों, प्लास्टिक रैप्स आदि का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टिक उत्पाद से आपकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाले पॉलेट जारी होते हैं। वे प्रजनन हार्मोन को नियंत्रित करने के लिए शरीर की प्राकृतिक क्षमताओं को प्रभावित करते हैं। एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है कि आप अंदर से स्वस्थ हों। आपके अंदर बीमारियों से लड़ने के लिए स्ट्रांग इम्यूनिटी चाहिए। इसके अलावा अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को जरूर शामिल करें। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।